लेकिन हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हम लोगों के भी स्वामी विवेकानंद मंचासीन हैं। वे डॉक्टर भी हैं और संसारिक के साथ साथ अध्यात्म में भी इन्होंने डॉक्टरी की उपाधि ली है, वह भी आप सुनेंगे इनके प्रवचन से। हमारे बीच संत मत के ऐसे विद्वान महात्मा मंचासीन हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमें अपने अमृतमय प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित करें। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। अच्छी भावना रखते हैं, छोटा बच्चा को
माता पिता प्रेम बस कंधे पर बैठा लेते हैं तो बच्चा भी माता पिता से ज्यादा दूरी रख देता है। आप लोगों का श्रद्धा है। आई अभी आप लोगों में सबसे बड़ा संतों की महिमा सुन रहे थे। वास्तव में जीव इस संसार में आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। जन्म लेना और मरना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आज तक व्यक्ति समझता है कि हमारे पास थोड़ा धन हो जाए, रहने के लिए आलीशान मकान हो जाए, हमारा कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, दुनिया में जय जयकार हो जाए, बस यही चाहते हैं। लेकिन इतना चाहने वालों का कल्याण नहीं हुआ है। दशानन रावण के पास तो बहुत धन था, कभी देवी देवता कांपते थे। चले रावण डोले धरने, रावण चलता था तो धरती कांपती थी। हमारे गुरुदेव कहते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे, भगवान भगत जीव हाँप रहे, जिन धारस ने समझाए कहे, गुरु नाम सुमत सब संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, लट भीतर ही इतना हो धन प्राप्त कर ले, बल प्राप्त कर ले, दुनिया का वैभव प्राप्त कर ले। लेकिन जब तक परमात्मा तत्व को नहीं जाने, ईश्वर तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक जीव का दुख समाप्त नहीं होता है। मानव जीवन अनमोल है और अनमोल जीवन से अनमोल कार्य करना चाहिए। तो जीवन का अनुभव कहा जाता है ध्यान अभ्यास और सत्संग, और ये काम करने के लिए हमारे पूज्यपाद गुरु स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, जो गुरु महाराज की बड़ी सेवा की हनुमान जी की तरफ, मैं भी दर्शन किया सेवा करते हुए। पूज्य बाबा तो शरीर का होश नहीं रहता था, सेवा में ऐसे नहीं जाते थे, उसमें छोटा था, दर्शन करने आता था। शरीर से देखते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उम्र कम ही है मेरा भी। कैसे महापुरुष का दर्शन आप कर रहे हैं, आप कम भागशाली नहीं है, आप बहुत बड़े भागशाली है। क्योंकि कहा गया है बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और कौन कर रहे हैं जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कर रहे हैं, सनत सनातन सनंदन और सनत कुमार खड़े क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संग, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और सत्संग जब मिलता है तो क्या होता है, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, भव बने संसार होता है। भव भंगा का मतलब संसार का जो दुख है, दैहिक दैविक और भौतिक ताप है, नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सत्संग करने से जब भगवान राम का भाग्य बड़ा हो सकता है, तो हमारा भाग्य छोटा रहेगा क्या, हमारा भाग्य भी बहुत बड़ा हो जाएगा यदि सत्संग करेंगे। ये कई बार अधिवेशन नहीं जानते, बीसवा है, बीस कैसे लिखते हैं, पहले दो लिखते हैं बाद में सुनी लिखते हैं, ये दो क्या बताता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में, निर्गुण और सगुण दोनों के पार में जाइए, सबका दर्शन हो जाएगा। सत सोई जो विनिश्चय नाही, वो स्वामी जी कहते हैं सत क्या है, तो कहते हैं सत वो है जो विनिश्चय नाही, जिसका नाश कभी नहीं होता है। हम लोग जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, धन दौलत दुनियादारी शादी विवाह, हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक, बड़े दादी कहते हैं साला तो साला खाक है, सब खाक है, खाक है, कुछ नहीं चाह।
खुदा का नाम एक सच्चा है। एक जगह लिखा था, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। भगवान का नाम, ईश्वर का नाम सच्चा है। उसी सत्य को जानने के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर असंगत साधु के अरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के आठो पहत उतार। मैं कहानी का गौर ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा सम्राट था जिसका नाम था कारुण शाह। बहुत कंजूस था, किसी को कुछ देता नहीं था। यहां तक कि साधु महात्मा भी आते थे तो रोटी भी नहीं खिलाता था। संयोग की बात है, एक बार एक महात्मा भ्रमण करते करते भिक्षा मांगते मांगते पहुंच गए। भिक्षाम देहि, राजा साहब ने देखा कि कौन आ गया। वो तो किसी को देता नहीं था, लेकिन महात्मा के शरीर में इतना तेज था, प्रकाश का पुंज था। देखिए, जो भजन करता है उसके शरीर में ब्रह्म तेज उत्पन्न होता है, और उसका दर्शन करने से करोड़ों तीर्थों का लाभ मिलता है। ऐसे तपे तपाए महात्मा थे, उनके शरीर में तेज था। उनके तेज को देख करके राजा कमल बदला। राजा ने कहा कि कुछ देना चाहिए, अपने दरबार से कहा कि कुछ दे दो खाने को। तो महात्मा के कमंडल में कुछ दाल रोटी सब्जी दे दिया। महात्मा जी भोजन कर लिए राजा के दरबार में ही। बारिश होने लगी तो महात्मा जी ने सोचा कहां पर जाएंगे, अब यही रह जाना अच्छा। राजा से कहा, राजन मैं आज यही रहना चाहता हूं, कहां जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा। हमारे आप मौज है, आप रह जाए, कमरा खाली, एक कमरा में महात्मा जी आसन लगा लेते। महात्मा जी भजन ध्यान करके भोजन करके सो जाते हैं। सुबह ब्रह्मोत्त में फिर जाग जाते हैं, भजन करते हैं, अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, चलना चाहते हैं। राजा साहब से आदेश देना जरूरी है, निकल जाना है। कहते राजन मैं जाना चाहता हूं। राजा करुण शाह ने कहा कि महाराज जब आए ही हो तो जरा हमारा राजपाट को भी देख लो, जरा हमारा बगीचा देख लो, यज्ञशाला देख लो, हमारा नृत्यशाला भी देख लो। राजा लोगों का यज्ञशाला भी होता था, नृत्यशाला भी होता था, हमारा कोषागार देख लो, सैनिक जहां रहते हैं उसका स्थल देख लो। दिखाने लगा, दिखाता है कि महाराज देखो यही हमारा कोषागार है, हजारों तिजोरियां हैं सोने की, और सोने की तिजोरी है तो उसमें हीरा से सब होगा क्या। बोला ये 5,000 जो ऊंट है ना ऊंट, इस पर हमारी चाबियां चलती है, तिजोरी की चाबियां। महात्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। महात्मा ने कहा कि राजन ठीक है, मैं देख लिया, अब चलना चाहता हूं। महात्मा जी ने बड़ा गौर से देखा राजा को और कहा, राजन हमसे कुछ मांग लो आप। तो राजा बोलता है, तुम बोला हमको क्या दे सकते हो, तुम तो खुद पकड़ हो, भिखारी हो।
महात्मा के चेहरे पर एक गंभीरता थी, भजन का बल था। उन्होंने कहा, मैं शक्ति कहता हूं, तुम हमसे कुछ मांग लो राजन, पर तुम हमको क्या दे सकते हो? मैं तुम्हें रोटी, तुम भूखे थे तो मैंने रोटी खिलाया, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते हैं तो लोग कपड़ा देते हैं, रहने का तुमको घर नहीं है तो हमारे घर में रहा, तुम बोले हम दे सकते हैं सकते हो। बोला मैं सही कहता हूं, हमसे कुछ मांग लो। राजा ने कहा जाओ जाओ। आया मौज फकीर की, अधिया झोपड़ा भूख महात्मा चल रही रम तेरा। इधर क्या होता है, 15 दिनों के बाद एक दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया उसके राज्य पर। जब चढ़ाई कर दिया तो राजा को बंदी बना लिया, हाथ में हथकड़ी और पैर में बड़ी लगा दिया, जेल में बंद कर दिया, उसके राज्य पर अपना झंडा फहरा दिया। एक दिन राजा ने कहा, वो मेरे सैनिकों, वो मेरे नगरवासियों, एक बहुत बड़ी चिता बनाओ, चिता को जलाओ और उस राजा को जल्दी चिता में झोंक दो, जिंदा जला दो। अब तो राजा थरथर कांपने लगा। बोला अब तक तो राजपाट से हाथ धोना पड़ा, बेटा बेटी से हाथ धोना पड़ा, रानी से हाथ धोना पड़ा, अब तो जीवन भी जा रहा है। महात्मा की बात याद आ गई, हारे को हरी नाम। महात्मा ने कहा था हमसे कुछ मांग लो, तो अब तो बड़ी भारी विपत्ति है, महात्मा से कुछ मांगना चाहिए। तो मनी मन महात्मा को पुकारने लगा, जब चिता में झोंकने लगा ना तो कहता है सुलेन बचाओ, सुलेन बचाओ, सुलेन बचाओ। वो राजा बोलता है भाई किसका नाम लेता है तू, सुलेन कौन है तुम्हारा? बोला सुलेन तो हमारा कोई नहीं है, एक महात्मा है, एक बार उसे भूख लगी थी तो हमारे राज्य में आया था, मैंने इसे रोटी खिलाई थी और रहने का ठिकाना दिया था। उन्होंने जाने वक्त कहा था कि दुख और विपत्ति की घड़ी भी मेरे को याद करना। राजा ने आप ही बताए इसी बड़े दुख और विपत्ति क्या हो सकती है। राजपाट गया, बाल बच्चे से हाथ धोना पड़ा, रानी से हाथ धोना पड़ा, अब जीवन नहीं जा रहा है, इसलिए मैं सुलेन महात्मा को याद करना। सज्जनों सुलेन महात्मा वो राजा के सदगुरु थे। वो राजा बोलता है ओ राजन, तूने मरते वक्त हमारे संत सदगुरु का नाम लिया है, इसलिए मेरे सैनिको इसको जल्दी चिताने में झोंको, इसके राज्य को वापस कर दो, इसे रथ पर बैठाओ और इसे राज्य में पहुंचा दो, इसके गले में फूल की माला डालो और अपने नियत स्थान तक इसे पहुंचा दो। कबीर साहब कहते हैं कबीरा संगत साधु के, अरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के, आठो पहलू बात। अगर हम अपने जीवन में साधु का संग करेंगे, एक महात्मा कहते थे कि संतों का संग न जाने कब हमें जेल से छुड़ा दे, मोक्ष दे दे, संत संग अपमान कर, कामी भव कर पंख कहे संत कवि गोविंद, छुट्टी पुराण सरगर्म। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है। गोस्वामी जी विश्लेषण करते हैं, अमन नहीं अपवर्ग मन को कहते हैं, कहते कमल चचे चमन को बोलते कवर, तथा को बोलते कवर और पफ को बोलते पवर। तो अवर्ग में क्या है, पप अवर्ग कहते वहां से लेकर जहां पाप पुण्य नहीं है,
फल से लेंगे जहाँ फलासा नहीं है, बहुत से लेंगे जहाँ वैर भाव नहीं है, बहुत से जहाँ भय नहीं है और बहुत से जहाँ मृत्यु नहीं है, वही एक वर्ग है। यदि हम भी सत्संग का सहारा लेंगे, संतों का संग करेंगे तो हमें भी मोक्ष मिल जाएगा और जन्म मरण के चक्र से सरक लिए छोड़ जाएगा। तो मैं विशेष नहीं कहूंगा, अपना समय पूज्य पाठ ग्रहण देते हुए जहां सूर्य होता है वहां दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं से आशीर्वाद लेंगे, गुरुजनों से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। अपने बारे को यही मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।